नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के चांदपुर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता एसपी गुप्ता की खास रिपोर्ट। चांदपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मच गया। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। पुलिस सह पूर्व विधायक के समझाने पर परिजन शांत हुए और जिसके बाद जाम को खोला गया और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के सबदलपुर खुर्द गांव निवासी 28 वर्षीय ओमवीर सिंह छत पर खेल रहे बच्चों को उतारने के लिए छत पर गया था। 11,000 की हाई टेंशन लाइन छत से भिड़ी होने के कारण ओमवीर एसटी लाइन की चपेट में आ गया। युवक की मौत के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद परिजनों ने युवक के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस एवं पूर्व विधायक कमलेश सैनी ने परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया, जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।